हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस सिर्फ 450 रुपीज़ ओनली है। इस कोर्स में आपको जो है कंप्लीट नोट्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी और सभी जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। प्लस वन क्वेश्चन बैंक दी जाएगी और 50+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और इस कोर्स की वैलिडिटी ओनली 2 मंथ्स है। ये सोर्स सिलेक्शन बैच है तो आपको जो है इस कोर्स के अलावा और कुछ बाहर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसमें से ही आपकी जो है सारी प्रिपरेशन हो जाएंगी। अगर आप हमारा ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप जो है कोर्स लेना नहीं चाहते हैं और आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जो है इस टेस्ट सीरीज में 50+ फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एज पर सिलेबस और रियल एग्जाम का जो है एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। ऑल इंडिया ऐप की रैंकिंग आएगी और आपको जो है एग्जाम की पूरी ही डिटेल एनालिसिस यहाँ पर दिए जाएंगे और आप ये टेस्ट सीरीज हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से परचेस कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज का प्राइस सिर्फ 199 रुपीज है। चलिए अब हम लोग जो है एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एमसीक्यू है, जर्मिनेशन ऑकर व्हेन सीड मॉइस्चर इज अबव, यानी सीड मॉइस्चर कितना होना चाहिए तो वहाँ पर जो है जर्मिनेशन होगा। तो मोर देन 70% ये हमारा पहला ऑप्शन है। अगर मोर देन 70% अगर मॉइस्चर वहाँ हो गया तो अगर हम सीड सॉइल में सोन करेंगे तो जो है सीड जो है वो सॉइल में स्पॉइल होने की जो है चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें जो है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और अगर 20-35% जो है वहाँ मॉइस्चर हो गया तो सीड जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाएगी और 30-40% भी बहुत कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40-60%। 40-60% सीड मॉइस्चर जो है वो जो जर्मिनेशन के लिए आइडियल है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। फाइबर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू पेपर एंड करेंसी इज, यानी टिश्यू पेपर और करेंसी के लिए कौन सा फाइबर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन में दिया गया है अगेव। अगेव ये जो है एक अमेरिकन प्लांट है और ये अमेरिकन इंडस्ट्रीज में जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक प्रिपरेशन के लिए, ये जो है कोल्ड ड्रिंक प्रिपरेशन में जो है स्वीटनेस बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया गया है जूट। आपको जो है कुछ जगह पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑनलाइन जो है जूट मिल जाएगा, लेकिन जूट इसका आंसर नहीं है। जूट से क्या होता है कि जूट से जो है बैग्स बनती है, रोप्स बनती है, क्लॉथ्स बनते हैं और जो है एग्रीकल्चर के जो बड़े बड़े जो रोप्स रहते हैं वो बनते हैं। इससे जो है करेंसी नहीं बनती और कभी कभार जो है टिश्यू पेपर भी बना दिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है वो जूस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और स्किन इंडस्ट्रीज में, स्किन प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया है सनहिप। सनहिप जो है इससे जो है ये जो है फाइबरस प्लांट है और इससे जो है टिश्यू पेपर बनाए जाते हैं और ये करेंसी बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और सनहिप का जो है बॉटनिकल नेम क्या है वो है क्रोलोड्रेलिया जुन्सिया और इसकी फैमिली क्या है फैबेसी और इसका ओरिजिन क्या है इंडिया। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। थ्रिप्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर, यानी यहाँ पर जो है थ्रिप्स का ऑर्डर पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए थाइनोस्टेरा। तो थाइनोस्टेरा ये जो है ये थ्रिप्स का ऑर्डर है। हेमिस्फीयर किसी का ऑर्डर नहीं रहता और कोलियोप्टेरा ये जो है बीटल का ऑर्डर है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टोबैको इज, यानी टोबैको का जो है सीड रेट कितना है। तो 1-2 केजी पर हेक्टर ये जो है सीड रेट बहुत कम हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस तो ये हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन हो गया है 3.5 3-5 केजी पर हेक्टर।
इतना जो है हमें टोबैको का सीड रेट लगता है। और टोबैको का बॉटनिकल नेम क्या है, नाइकोटिना टैबैकम, और उसकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी। फॉर फूड प्रोडक्शन ऑफ कल्चरल फिश पीएच ऑफ वाटर शुड बी, यानी वाटर का पीएच कितना होना चाहिए अगर हम फिश कल्टिवेट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर पीएच जो है वो 4.5 से कम हो गया तो भी सीड क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। और अगर 10% के अबव यानी 10 पीएच से ज़्यादा हो गया तो भी सीड जो है फिश जो है वो डाई होने के चांसेस रहते हैं। तो उसका आइडियल टेम्परेचर क्या है, 7.5 to 8.5, यानी पानी का पीएच अगर 7.5 to 8.5 होगा तो वो गुड प्रोडक्शन जो है हमें जो है फिश का जो है वो मिल सकता है। अगर 6.5 or 7.5 अगर रहेगा तो उसमें जो है फिश की उतनी ग्रोथ नहीं होती है। तो हमारा आइडियल टेम्परेचर है 7.5 to 8.5। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू इज द मेन प्रॉब्लम इन विच ऑफ द वेराइटी ऑफ मैंगो, यानी स्पॉन्जी टिश्यू ये जो प्रॉब्लम है ये वेराइटी की कौन से मैंगो में जो है, वह मैंगो की कौन सी वेराइटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होता है, जो उसका इनर पार्ट रहता है मैंगो का, इनर पार्ट में जो है वाइट और क्रॉकरी जो है, वाइट क्रॉकरी जैसे आपकी इमेज में अभी आप देख सकते हो कि वो अंदर से पार्ट जो है वो इस तरह से हो जाता है और उनमें जो है वाइट वाइट लाइंस आती है और वो ड्राई हो जाता है, तो उसे जो है स्पॉन्जी टिश्यू कहा जाता है। तो दशहरी ये जो मैंगो की वेराइटी है इसमें जो है स्टेम रॉट और एंथ्रेक्नोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद लैंगरा में जो है बैक्टीरियल कैंकर सबसे पाया जाता है, और अल्फांजो में है जो है स्पॉन्जी टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया सी, अल्फांजो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सीड इन द फार्मर एक्सपेक्टेड टू बाय अ फ्रेश एवरी टाइम, यानी फार्मर जो है हमेशा कौन सी सीड जो है वो फ्रेश और नई चाहता है हमेशा। तो ऑप्शन ए में है सिंथेटिक सीड, सिंथेटिक सीड का जो है यूज़ जो है लेबोरेटरीज में किया जाता है और वो डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। उसके बाद दिया गया हाइब्रिड सीड, तो हाइब्रिड सीड्स जो है वो फार्मर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो मार्केट में नई नई अवेलेबल होती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। स्वाइचाल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल, स्वाइचाल क्या है, स्वाइचाल एक चाल है कैटल की, यानी कैटल किस तरह से चलती है। स्वाइचाल को जो है रॉयल स्ट्राइड भी कहा जाता है। तो रॉयल स्ट्राइड जो होता है इसका मतलब होता है शाही कदम, तो जो शाही कदम की तरह चलती है उसे जो है स्वाइचाल कहा जाता है। तो वो कौन सी ब्रीड है, तो वो है कांगरेज। कांगरेज ये जो ब्रीड है वो स्वाइचाल की तरह चलती है और ये जो है गुजरात में पाई जाती है, कांच जो स्टेट है वहाँ का, वहाँ पर यहाँ जो रन जो जिला है वहाँ पर कांगरेज ये जो है पाई जाती है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। एस एस पी कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, एस एस पी क्या है, एस एस पी क्या है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये एक मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है जिसमें जो है फॉस्फोरस सल्फर और कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जिसमें फॉस्फोरस जो है वो 14 पॉइंट प्रेजेंट होता है और कैल्शियम जो है वो जो है 19% प्रेजेंट होता है, 19 to 21% प्रेजेंट होता है और सल्फर जो है वो 11% प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्रॉप देख लेते हैं, नेक्स्ट एमसी के लिए देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसी क्यू देख लेते हैं। ट्रैप क्रॉप ऑफ ऑरबेंची इज, यानी ऑरबेंची का ट्रैप क्रॉप क्या है। ऑरबेंची एक फ्लावरिंग वीड है जो कि लेगनेस प्लांट और फील्ड क्रॉप में लगता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मस्टर्ड, सनेप, चिली इन तीनों में भी जो है ऑरबेंची दिखाई देती है। द प्रोसेस ऑफ मिल्किंग इज डन फॉर हाउ मच टाइम, यानी मिल्किंग कितनी देर तक करनी चाहिए। काउ में जो है वो मिल्किंग हम जो है 2 to 3 times a day करते हैं और वो कितने मिनट के लिए करते हैं, 5 to 8 minutes के लिए करते हैं। 5 to 8 minutes के लिए जब हम मिल्किंग कर सकते हैं, 15 to 20 minutes बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाएगा और 10 to 15 भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ड्यूरिंग द लास्ट 1 century द अर्थ हैज रिवॉर्म अप बाय फिलिंग द ब्लैंक्स डिग्री सेल्सियस, यानी कितने क्षेत्र कितनी डिग्री सेल्सियस से जो है पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ चुका है, तो वो बढ़ चुका है 0.8 to 1% जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। जेस्ट्रेशन पीरियड ऑफ गोट रेंजेस बिटवीन, यानी गोट का जेस्ट्रेशन पीरियड
कितने दिनों का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या होता है। जेस्टेशन पीरियड ये जो है ये एक विविपोरस एनिमल जो होते हैं उनमें जो है एक एक प्रेगनेंसी स्टेज है ये, और इसका जो है वो जो है केयरिंग ऑफ एम्ब्रियो एंड लैटर फिटस इनसाइड विविपोरस एनिमल, यानी ये जो है एम्ब्रियो की ग्रोथ जो है विविपोरस एनिमल में जो थी होती है उससे जो है जेस्ट्रेशन पीरियड कहा जाता है। तो 145 डेज ये जो जेस्ट्रेशन पीरियड है वो होता है शिप में, और 150 डेज किसका होता है, गोट का होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं कि प्राइस को एग्जामिन करते हैं, प्रोडक्ट को एग्जामिन करते हैं और उनकी प्राइस जो है वो एक तरह से जो है डिटरमाइन करती है कि पर्टिकुलर चीज़ का रेंट क्या होना चाहिए, वेजेस क्या होने चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ पर जो है इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उससे कितना प्रॉफिट होगा। ये थ्योरी मतलब जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और उसे जो है प्राइस थ्योरी कहा जाता है। उसे कंज्यूमर थ्योरी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंज्यूमर थ्योरी एक इंडिविजुअल थ्योरी है कि इंडिविजुअल किस तरह से अपना मनी जो है वो स्पिन करता है। और सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सब्स्टिट्यूशन थ्योरी में भी इंडिविजुअल जब सारी चीज़ों की जो है प्राइजेस हाई हो जाते हैं तो किस तरह से वो जो है अपनी खुद की बचत करता है, उसको जो है सब्स्टिट्यूशन थ्योरी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज शोन मैक्सिमम लॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो ऑप्शन में दिया गया है ए कर्नाटका। तो 2019 फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटका स्टेट जो है वो हाईएस्ट स्टेट है फॉरेस्ट का। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में भी जो है फॉरेस्ट का एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, और मणिपुर में जो है वो लॉस हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी मणिपुर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। लेग्यूम्स लाइक सोयाबीन, रेड किडनी बीन्स एंड चिक पी आर रिच इन आयरन, फोलेट एंड विटामिन सी विच आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करने के लिए जो है हमें जो है आयरन, फोलेट और विटामिन सी की जो है ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि प्रोटीन बनने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, और कार्बोहाइड्रेट भी सिंथेसिस करने के लिए जो है हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। क्या अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। विच इरोजन इज नोन एज डेथ ऑफ फार्मर, यानी किस इरोजन को जो है डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन मतलब होता है कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो सॉइल सरफेस पर गिरते हैं, तो उसे स्प्लैश इरोजन कहा जाता है। इस इरोजन से ज़्यादा फार्मर का नुकसान नहीं होता है। रैबिन इरोजन उसके बाद जो है दिया गया है। रैबिन इरोजन ये जो है लैंड डिग्रेडेशन है इन सेमी एरिड एरिया। नेक्स्ट है शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, जो कि सॉइल की थिन लेयर होती है पूरी तरह से रिमूव होती है, तो उसे जो है शीट इरोजन कहा जाता है। और शीट इरोजन के वजह से जो है सॉइल का जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और उससे जो है क्रॉप को भी नुकसान होता है। पूरी की पूरी सॉइल की जो लेयर होती है वो पानी के साथ बह जाती है, उसके साथ क्रॉप भी जो है वो बह जाते हैं, इसीलिए इसको डेथ ऑफ फार्मर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प द फंगी टू सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी फंगी को जो है एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कौन मदद करता है। नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। चैलमाइडो स्पोर्स ये जो होते हैं ये एक ऐसे स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे जो है एक दूसरे से जो है ये ऐसे ऐसे जुड़े हुए स्पोर्स रहते हैं, और ये स्पोर्स जो है फंगी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्लाइमेटोस्पोर्स है ये क्या करते हैं, ये हॉट एंड ड्राई जो एनवायरनमेंट होता है उससे बचाते हैं, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन हो जाती है तब ये नहीं बचा पाते हैं। उसके बाद ऑप्शन में दिया है गया है कोनिडियोस्पोर। ये जो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं, ये जो स्पोर्स जो होते हैं फंगी में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कितने भी एडवर्स कंडीशन हो जाए एनवायरनमेंट में, ये जो स्पोर्स हैं ये जो है फंगी को है पूरे जितनी भी एडवर्स कंडीशन होती है उससे बचाते हैं, इसीलिए जो है हमारा आंसर यह हो जाएगा सी कोनिडियोस्पोर्स। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। विच फ्रूट हैव लॉन्ग स्टोरेज लाइफ
देन अदर फूड्स, यानी किसकी जो है लाइफ सबसे ज़्यादा है। तो गावा तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि गावा की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद बेर अगर हम ड्राई करते तब उनकी जो है शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती है। तो एप्पल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि एप्पल जो है उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा है। अल्ट्रा नैरो कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसेस इन, यानी अल्ट्रा नैरो कल्टीवेशन किस क्रॉप में किया जाता है। ये एक रो पैटर्न है जिसमें दोनों रो में जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है कॉटन पर। राइस पर तो हम रो कल्टीवेशन कर नहीं सकते, और पपाया में जो रो कल्टीवेशन होता है उसमें डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइम सी क्यू डिस्कस कर लेते हैं। पीएम मोदीज ट्राइकलर रिवॉल्यूशन इंक्लूड्स, यानी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने जो रिवॉल्यूशन दिया है ट्राइकलर का, उसमें कौन से कलर अवेलेबल है। येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन एंड सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। तो 2014 में जो है मोदी जी ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ट्राइकलर रिवॉल्यूशन दिया था कि हमारा इंडिया जो है वो प्रगति की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और वो किस तरह से बढ़ रहा है ये उन्होंने हमारे इस ट्राइकलर रिवॉल्यूशन से बताया था। तो उन्होंने बताया था कि वाइट कलर किसके लिए है, वाइट कलर जो है वो कैटल के लिए और लाइफस्टाइल के लिए बताया था। और सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन जो है, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन ये जो बताया था ये जो है सोलर एनर्जी, सोलर पावर के लिए बताया था। और ब्लू रिवॉल्यूशन ये जो है फिश के लिए और क्लीन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है बताया था। और ये रिवॉल्यूशन जो है ये इसका पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। लोवेस्ट ओटीआर वैल्यू फाउंड इन, ओटीआर क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, इसको जो है ओटीआर कहा जाता है। और वो लोएस्ट किस में है, वो सोरगम में जो है वो जो है लोएस्ट है, राइस से भी ज़्यादा और जूट से भी ज़्यादा। और ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट क्या है कि प्लांट क्या करते हैं, अपने आजू बाजू जितना भी ऑक्सीजन अवेलेबल है और जितना भी ऑक्सीजन अवेलेबल है वो जो है वो यूटिलाइज करते हैं और O2 कॉन्सेंट्रेशन अपने आप का बढ़ा लेते हैं, इसीलिए जो है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट उसे कहा जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रूमिनेंट एनिमल, नॉन रूमिनेंट एनिमल मतलब क्या होता है, जिनमें सिंगल कंपार्टमेंट जो है स्टमक होता है, सिंगल कंपार्टमेंट स्टमक होता है उसे जो है नॉन रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। तो वो किस में होता है, वो होता है स्वाइन में, स्वाइन में जो है वो सिंगल कंपार्टमेंट स्टमक होता है, इसलिए उसे नॉन रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मैंगो, यानी मैंगो को प्रोपेगेट करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, तो वो क्यों यूज़ की जाती है, विनियर ग्राफ्टिंग। तो विनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम डाली है यहाँ। तो जो है अपर पार्ट को जो है साइलेंटली जो है नीचे का पार्ट जो है कट कर दिया गया है, और इस तरह से क्या किया गया है कि नीचे के पार्ट को जो है एक बाजू से जो है उससे जो है ऊपर के पार्ट को जो है कवर कर दिया गया है और वहाँ पे अटैच कर दिया गया है, इसी जो है यहाँ पर विनियर क्राफ्टिंग जो है की जा रही है। वेजेस क्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि इस तरह से अपर पार्ट को वेज दिया जाता है और वो नीचे के पार्ट को फिक्स किया जाता है, उसे जो है वेज क्राफ्टिंग कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मैंगो क्या है, विनियर क्राफ्टिंग। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म क्रॉपिंग स्कीम रेफर्स टू, यानी क्रॉपिंग स्कीम किसे कहा जाता है। प्लांटिंग प्लानिंग ऑफ शेड्यूल्स ऑफ डिफरेंट फार्म ऑपरेशन, यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न की बात की जा रही है, क्रॉपिंग स्कीम की बात की जा रही है, ना कि फार्म की। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अलॉटमेंट ऑफ क्रॉप रोटेशन टू द पीसेज ऑफ लैंड ऑन अ फार्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा अलाउमेंट ऑफ क्रॉप रोटेशन टू द पीसेस ऑफ लैंड ऑन अ फार्म, क्योंकि क्रॉप रोटेशन अगर वो उस लैंड पर करते हैं तो वो जो है उसे जो है क्रॉपिंग स्कीम कहा जाता है, क्योंकि एक क्रॉप लेने के बाद वहाँ पर दूसरा क्रॉप लिया जाएगा, दूसरा क्रॉप के बाद वहाँ तीसरा चौथा ऐसे क्रॉप लिए जाएंगे तो वह क्रॉप रोटेशन होगा, इसीलिए इस टर्म को जो है क्रॉपिंग स्कीम कहा जा सकता है। फ्रूट विच आर सेंसिटिव टू सैलिडिटी आर, यानी कौन से फ्रूट जो है वो सैलिनिटी को जो है सेंसिटिव होते हैं। ऑल फ्रूट्स जो है वो
सैलिडिटी को सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि सैलिडिटी में जो है वो सॉल्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे सैलिडिटी कहते हैं। और वो मैंगो, आलमंड और पीच तीनों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ क्वीन ऑफ फ्रूट? तो क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है? क्या वो एप्पल को कहा जाता है? नहीं। क्या वो मेज को कहा जाता है? मेज तो एक सरल से है तो मेज को नहीं कहा जा सकता। तो किसे कहा जाता है? मैंगोस्टीन को। मैंगोस्टीन को जो है क्वीन ऑफ फ्रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टेस्ट में जो है बहुत यूनिक होता है, इसका जो खट्टा मीठा टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, इसलिए इसको जो है क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। मैंगोस्टीन का बॉटनिकल नेम क्या है? ग्रैसिनिया मैंगोस्टोना, और इसकी फैमिली क्या है? क्लूलियासी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी इस्टेब्लिश इन विच स्टेट? सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है सिक्किम। सिक्किम स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो यूनिवर्सिटी है वो इस्टेब्लिश नहीं की गई थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वो इस्टेब्लिश की गई थी गुजरात में। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। लिटिल लीफ इन मैंगो एंड कैश्यू इज डिफिशेंसी ऑफ, यानी लिटिल लीफ ऑफ मैंगो और कैश्यू इसमें जो डिसीज़ होता है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वजह से क्या होता है? प्रीमैच्योर ड्राइंग होती है ओल्ड लीव्स की। और नाइट्रोजन के वजह से क्या होता है? नाइट्रोजन के वजह से जो है येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, क्लोरोरिसिस होता है। और जिंक की वजह से क्या होता है कि लिटिल लीफ ऑफ मैंगो ये डिफिशियंसी होती है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। कॉटन कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन ऑल सॉइल एक्सेप्ट, कॉटन के लिए जो है सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल यूज़ की जाती है। सैंडी सॉइल में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये बोथ सैंडी एंड सलाइन सॉइल जो है वो सॉइल जो है कॉटन को ग्रो नहीं कर सकती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ अल्फा अल्फा? अल्फा अल्फा जो है हमारे इंडिया में जो है एक जो है स्प्राउट्स की तरह यूज़ किया जाता है, और ये जो है पेरेनियल जो है फ्लावरिंग प्लांट है। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? मेटिकोना सटाइवा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? मेटिकोना सटाइवा। और फैमिली क्या है? फैबेसी। इन कैटल स्टमक हॉनीकॉम लाइक वॉल प्रेजेंट इन विच कंपार्टमेंट, यानी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये कैटल के जो है स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है रेटिकुलम में। रेटिकुलम में ये जो है हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। अ ग्रीन प्लांट विल टर्न येलो इफ प्लेस इन डार्क ड्यू टू, यानी अगर एक ग्रीन प्लांट को हम लोग जो है डार्क प्लेस में रखते तो वो येल्लो क्यों होता है? क्या वो डॉर्मेंसी की वजह से होता है कि नहीं? और वो क्या प्रोटोट्रोपिज्म की वजह से होता है कि नहीं? प्रोटोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है कि प्रोटोट्रोपिज्म में क्या होता है कि पर्टिकुलर प्लांट जो है एक तो वो पूरी तरह से लाइट की शेड की तरफ मुड़ जाता है, या फिर वो पूरी तरह से जो है अवे फ्रॉम द लाइट होता है, तो उसे जो है फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और इटियोलेशन की वजह से क्या होता है कि एक ग्रीन प्लांट जो है वो येल्लो होता है, क्योंकि उसमें जो होती है लाइट की जो है कमी होती है, क्योंकि इटियोलेशन में क्या होता है कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो पार्शियली और कंप्लीट जो है ऑब्सेंस ऑफ लाइट में जो है अपने आप को ग्रो करते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं कभी कभी येल्लो हो जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटियोलेशन। विच अवार्ड इज़ गिवन टू द फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन ड्राईलैंड फार्मिंग, यानी ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है रवि अहमद किदाई अवार्ड। रवि अहमद किदाई अवार्ड ये जो है ICAR थ्रू दिया जाता है फॉर द रिसर्च इन एग्रीकल्चर। उसके बाद जो है ऑप्शन सी में दिया गया है चरण सिंह अवार्ड। चौधरी चरण सिंह अवार्ड ये जो है ICAR थ्रू जो है जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। और वसंत राव नाइक अवार्ड ये जो है ड्राईलैंड फार्मिंग सिस्टम के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम लोग हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। अनडेफिनिट इंडियन फार्मिंग पब्लिश बाय, यानी अनडेफिनिट इंडियन फार्मिंग ये जो है एक मैगजीन है, और ये किसने पब्लिश की थी ये जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है ये एक मैगजीन है और वो
जो है ICR थ्रू जो है पब्लिश की गई थी इन 1940 फॉर द साइंटिफिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन टू द फार्मर, यानी जो भी फार्मर्स हैं उनको जो है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सके क्रॉप की, इसीलिए जो है इस मैगजीन को जो है इस्टेब्लिश किया गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट MCQ देते हैं। ई नाम वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन, यानी ई नाम कब लॉन्च की गई, तो ई नाम जो है वो 14 अप्रैल 2016 को जो है लॉन्च की गई फॉर द फार्मर्स बेनिफिशियरी। क्योंकि ई नाम में क्या है, ई नाम मतलब क्या होता है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इसमें जो है 1000 से ज़्यादा मंडियाँ जो है इसमें जो है अपने आप को जो है डाल चुकी हैं, और इसमें जो है डिफरेंट APMCs भी शामिल हैं, और इसमें जो है डिफरेंट बायर्स और डिफरेंट डीलर्स डिफरेंट सेलर्स जो है सब अवेलेबल है। एक तरह से जो है ऑनलाइन मार्केट जो है यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जा चुका है फार्मर के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज अ गुड क्वालिटी ऑयल बिकॉज इट कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ अनसेचुरेटेड फैट। हाई क्वांटिटी ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का प्रेजेंट होना यानी शरीर में ये क्या करता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, इसीलिए जो है हाई क्वांटिटी ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को जो है सनफ्लावर ऑयल में पाया जाता है। हाई क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर सनफ्लावर में प्रेजेंट होगा तो वो हमारे शरीर के लिए घातक होगा। लो क्वांटिटी ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ये जो है अगर लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। वाइन ब्रेक्स आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड टूअर्स, यानी वाइन ब्रेक्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। वाइन ब्रेक्स क्या होते हैं, अगर ये पर्टिकुलर फील्ड हो गई, अगर पर्टिकुलर फील्ड में अगर वाइन की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर वाइन ब्रेक्स लगाए जाते हैं ताकि वाइन की जो है वाइन्स की वजह से क्रॉप डैमेज ना हो पाए। तो वो किस डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। हाईएस्ट शेयर इन फर्टिलाइज़र कंजप्शन इन परसेंटेज, यानी सबसे ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र किस में यूज़ किया जाता है। कॉटन में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर जाते हैं ताकि बॉल का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा हो सके, और वीट के मुकाबले जो है पैडी में जो है सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पैडी। क्योंकि पैडी में जो है शुरुआत से लेकर एंड तक हमें जो है फर्टिलाइज़र के डोजेस जो है चेंज कर करके जो है हम जो है उसमें सबसे ज़्यादा डालते हैं। माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू माइक्रो जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो सेंसिटिव होता है वो एंटीबायोटिक्स को होता है, और एंटीबायोटिक्स क्या है, टेट्रासाइक्लिन ये एक एंटीबायोटिक है, इसलिए माइकोप्लाज्मा जो है उसको सेंसिटिव होता है। ग्रुप ऑफ फंगी दैट किल एन इंसेक्ट बाय अटैकिंग एंड इन्फेक्टिंग इट्स इंसेक्ट होस्ट इज कॉल्ड, यानी जो है वो फंगी जो इंसेक्ट को पूरी तरह से उसके होस्ट इंसेक्ट्स को लेकर वो पूरी तरह से जो है इंसेक्ट की पूरी फैमिली जो है वो जो है किल करती है, उसे क्या कहा जाता है, क्या उसे रेड फंगी कहा जाता है क्या नहीं। रेड फंगी जो है फंगी का एक टाइप है, और उसी से जो है सिर्फ जो है इंसेक्ट किल नहीं हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एंडोपैथोजेनिक फंगी। एंडोपैथोजेनिक फंगी जो है उस ग्रुप को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कॉटन को, क्योंकि कॉटन को जो है वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और उससे से जो है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट MCQs है, हु इज़ प्रायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट, यानी चिपको मूवमेंट के पायनियर कौन है, तो वहाँ पर दिया गया है सुंदरलाल बहुगुणा। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो डाली है इनकी। ये जो है ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है जिन्होंने जो है हिमालय में जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चिपको मूवमेंट की जो है शुरुआत की थी, और अभी हाल ही में इनका जो है COVID-19 की वजह से जो है निधन हो चुका है, और इन्होंने जो है हिमालय में जो है चिपको मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। द फ्रूट टाइप ऑफ आंवला इज, यानी फ्रूट
टाइप क्या है आंवला का, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले नट दिया गया, तो नट होगा क्या? नहीं, एम्प्रिस का भी नहीं होगा। एम्प्रिस का मतलब क्या होता है कि जो है फ्रूट शेल होता है वो हार्ड होता है और उसके अंदर बहुत सारी सीड्स प्रेजेंट होती है, तो आंवला में तो बहुत सारी सीड्स नहीं होती है, इसलिए एम्प्रिस का भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्सूल। कैप्सूल ये जो है एक मैच्योर बेरी का टाइप है और ये जो है आंवला का फ्रूट टाइप है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू डेस्क लेते हैं। व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ले फार्मिंग, मतलब ले फार्मिंग मतलब क्या होता है? ले फार्मिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जो है इसमें जो है लेग्यूमिनस प्लांट लगाए जाते हैं, उसके बाद जो है ग्रेन क्रॉप्स लगाए जाते हैं, फिर लेग्यूम्स लगाए जाते हैं। इस तरह से जो क्रॉप रोटेशन करते हैं उसको जो है ले फार्मिंग कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनस पॉस्चर विद ग्रीन क्रॉप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप रेंज इज बिटवीन, यानी ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फील्ड क्रॉप के लिए कितनी है? तो 1 to 4 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगी, और 2 to 3 सेंटीमीटर में जो है प्लांट अगर हम लगाएंगे तो वो भी तो निकल जाएंगे। तो इसका आइडियल क्या हो जाएगा? डेप्थ 3 to 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, यानी ग्लाइकोलिसिस ये जो प्रोसेस है ये किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और पेरिक्सोम में जो है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और साइटोप्लाज्म में क्या है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, और साइटोप्लाज्म क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। इफ़ द फार्मर प्रैक्टिस शुगर केन कॉटन बार्ले द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एट हिज फार्म विल बी, यानी अगर एक फार्मर शुगर केन के बाद कॉटन ले रहा है, कॉटन के बाद बार्ले ले रहा है, तो उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? क्रॉपिंग इंटेंसिटी उसकी ऑब्वियसली हाई होनी चाहिए। 400 क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो नहीं हो सकती है, और 100 तो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? 150 to 150%। तो 150% उसकी क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि उस जो फार्म है उस फार्म पर 1 ईयर पर कितने क्रॉप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, उसका जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है निकाली जाती है, उसको जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहा जाता है। यानी उस फार्मर का पूरा एरिया कितना है, उसके अपॉन जो है उसने कितना सोन किया है इंटू 100, ये जो है उसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। बूटिंग इन कॉलीफ्लावर ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, यानी बूटिंग ये जो है ये कॉलीफ्लावर में जो है किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो सबसे पहले दिया गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से क्या है कि बूटिंग ये डिसीज कॉलीफ्लावर में आता है। बोरॉन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? तो बोरॉन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है कि जो भी कॉलीफ्लावर का ये जो फ्लावर रहता है उसका जो स्टेम रहता है उसमें जो है होल हो जाता है, तो ये जो है वो बोरॉन डिफिशियंसी की वजह से होता है। उसके बाद दिया गया है कैल्शियम। कैल्शियम डिफिशियंसी ये जो है ये मेनली जो है लीव्स पे आती है। एमसीक्यू देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज फास्टेस्ट इन बिटवीन विच पीएच रेंज, तो लेस देन अगर 6 पीएच रेंज होगा तो वहाँ डिकम्पोजिशन होने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि सॉइल जो है वो एसिडिक होती है, इसलिए लेस देन 6% नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है 6 to 8%, तो ये आइडियल पीएच हो जाएगा ताकि हम जो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कर सके। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है 5.5 to 6। जैसे कि मैंने कहा अगर सॉइल अगर एसिडिक हो गई तो वहाँ जो है और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करना फास्ट नहीं होगा, वहाँ थोड़ा स्लो हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जो है FCI की तैयारी कर रहे होंगे तो आप हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है आपको जो है फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डाउनलोडेड और प्रिंटेबल ई बुक्स मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज जो है आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, और जो है 1 question bank की ई बुक मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी एज पर द सिलेबस, और इस कोर्स की वैलिडिटी एग्ज़ाम होने तक जो है आपको मिल जाएंगी। प्लस आपके साथ जो है डिस्कशन ग्रुप जो है वो तैयार किया जाएगा ताकि आप जो है टॉपिक जो है वो डिस्कस कर सके। और इसकी प्राइस है 1699 रुपीज़ ओनली। और अगर आप हमारा ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड GK ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो है ये कोर्स हमारा जो है हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं।
आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।